बाहरी किनारा यहाँ पर लगा और अच्छा सातवां ओवर यहाँ पर आता हुआ पारी का। बाहर की दिशा दिखाई इसे और अच्छा सिंगल यहाँ पर, तो यही अप्रोच फ्लाइट किया यहाँ पर और उसका पूरा फायदा उठाया। अच्छा स्ट्रोक लगाया यहाँ पर और दूसरे रन के लिए जाते हुए बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर कप्तान की साथ निभाया शरीफ ने। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, रन जा पहुंचा है 20। ड्राइव लगा के खेल किया और 10 रन दिया और इस बार ये आउट पाए गए। अच्छा केपी कठुआ की बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो खुद 10 रन बनाए, चौका उसमें शामिल, बाकी खिलाड़ी तो कोई खासा प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन कप्तान रहा। और इस बार बढ़िया फील्डर और जब तक गौरव आराम से गेंद को पकड़ के वापस करते 2 रन आते हुए। किस तरीके से टीम को चलाना है बाखूबी अंजाम देते हुए कप्तान कोतवाली, ये वाइड का इशारा, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होती हुई। और इस बार रही है हाथों से रन चुराते हुए, अक्षित मिस करके गए केकेआर मडीन की तरफ से। और इस बार बढ़िया गेंद, ये लग रहा था कि बिगड़ ले लेंगे LBW, हो सकता एक बार फिर। और इस बार खेल दिया है और ये कैच हो सकता था अगर, लेकिन एक ही रन मिलेगा। और ये बधाई गेम चेंजर जम्मू को, आपको बता दें कि 19वां मैच ये पुलिस मार्टियर्स में चैंपियनशिप 2022-23 का और ग्रुप डी का पहला मुकाबला के बीच में जेकेपी कठुआ ने पहले बल्लेबाजी की, हालांकि इतना बड़ा स्कोर नहीं पेश कर पाए, वो केवल 73 रन बनाए अपने 20 ओवर में। और गेम चेंजर्स जम्मू की तरफ से संत बख्श ने बेहतरीन गेंदबाजी की, 4 ओवर में केवल 9 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। उनका साथ दिया अमन शर्मा ने जिन्होंने 4 ओवर में 2 मेडिन, केवल 9 रन दिए और 2 विकेट चटकाए। जवाब में गेम चेंजर्स जम्मू ने ये मैच महज 10.4 ओवर में जीता और जो 76 रन का लक्ष्य उन्हें मिला था उसे चेस किया। अक्षित गंदराल ने 21 रन बनाए केवल 11 गेंदों में, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल, और गुरसिमरन वो भी नाबाद रहे 16 रन बनाए 18 गेंदों में। तो मैं पहले बुलाना चाहूंगा गेम चेंजर्स जम्मू के कप्तान अंकुश जी को इस टूर्नामेंट में, हालांकि इतना बड़ा स्कोर नहीं पाई पर एक अच्छी साझेदारी चल रही थी आपके और शरीफ के बीच में और आपने दिखाया कि कैसे बल्लेबाजी करनी है इस विकेट के ऊपर, कि थोड़ा आपको समय जो है यहाँ पे देना पड़ेगा तभी रन बनेंगे, तो आगे से क्या अप्रोच रहेगी सर आपके बाकी 2 मैचेस में? के हमारे बहुत सारे लड़के जो है वो डिपार्टमेंट के हैं और बिल्कुल प्रैक्टिस में नहीं है, 2-4 दिन से हमने लड़कों को प्रैक्टिस में डाला। मुझे लगता है कि थोड़ा सा टर्फ की पिच पे यूज टू होने के लिए उनको प्रैक्टिस की जरूरत है और मोस्ट ऑफ द टाइम लड़के मैट पे खेलते हैं और प्रैक्टिस भी नहीं है, कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। जम्मू के जितने भी बच्चे हैं मैं सबको जानता हूँ, वो बिल्कुल फ्लो में है, गेम की प्रैक्टिस में है। बहुत सारे बच्चे ये अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 खेले हैं
और उनको बहुत बहुत मुबारक है इस गेम को जीतने के लिए। हमने कोशिश की लड़ने की, कैचेस ड्रॉप होते हैं, आपकी एजिलिटी कम होती है, बट फिर भी हम नेक्स्ट मैच में अच्छा करेंगे। मच और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब आप गेम के इन टच हैं तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। एक हमारे पास यंग जम्मू की टीम, मैं बुलाना चाहूँगा संत पक्ष को और हमारे आज के मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर हैं शहीद वेलफेयर कमेटी, द मैच संत पक्ष को, जिन्होंने केवल 9 रन दिए 4 अपने ओवर के स्मेल में और 3 विकेट्स लिए। संत पक्ष, ये 2000 है और ट्रॉफी है। पहले तो आप सबको ही शुक्रिया अदा है कि हमें एक आप अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। मैं तो मतलब बचपन से ही, मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला टूर्नामेंट भी यही टूर्नामेंट खेला था, तो बाकी यह है कि इस साल विकेट पहले से भी बहुत अच्छा है और हमारी यही अप्रोच थी कि इनको जल्दी से जल्दी आउट करें, अच्छे एरियाज में बॉल डालें, और यही प्लान था और वही सक्सेसफुल रहा। थैंक यू संत एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर फिक्चर्स। थैंक यू। आपको बता दें कि हमारे कल के 2 मैचेस जो हैं वो लाइफ केयर लखनऊ और गेम चेंजर्स जम्मू के बीच में खेला जाएगा और जेकेबी का मैच अमीगोस पानीपत के साथ होगा। थैंक यू।